गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्चुअल तीरू ब्लॉग। सो आज हम लोग आए हैं कशिश पार्क में तीरू के साथ। तीरू को बहुत टाइम से गार्डन में आना था, तो ये देखिए कशिश पार्क में हम लोग आ गए हैं। और इसकी एंट्री देख सकते हैं कितना मस्त गेट है, बहुत ही बड़ा और ह्यूज है ये गार्डन। और यहाँ पे देखिए यहाँ से एंट्री है और ये सब आपको दिखेगा, बट यहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे एक मंदिर भी है, गणपति बप्पा का मंदिर है। सो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अभी शाम का टाइम है और यहाँ पे मंदिर अभी बंद है। कुछ हम लोग 5:30 बजे आ गए यहाँ पे, 5:30 से 6 बज रहा है। और मंदिर में वो 7 बजे कुछ 6:30 बजे कुछ ओपन होता है और वहाँ पे आरती वगैरह भी होता है। तो ये मंदिर का एंट्री है, यहाँ से हम लोग जाएंगे और अंदर ही जस्ट लेफ्ट साइड में जाएंगे तो छोटा सा बच्चों का खेलने के लिए पहला गार्डन है। फिर उसके बाद अंदर भी बहुत सारे ये है। यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करते हैं लोग, ये ग्रास में, ग्रास बहुत ही अच्छा होता है, आपके फीट का जो भी हीट रहता है वो निकल जाता है। यहाँ पे बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए है, तो आके वो बैठते हैं शाम के टाइम। और अच्छा मस्त सुहानी हवाएं आती है। और ये बटरफ्लाई आप देख सकते हैं कितना क्यूट सा बटरफ्लाई है। और यहाँ पे लोग बैठ के फ़ोटो सेशन करते हैं, मैं भी फ़ोटो सेशन करने वाली हूँ। और ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है ये। और धीरे धीरे हम लोग अभी ये साइड से जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा बच्चों का खेलने का गार्डन है। यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सा मूर्ति है, जो एक लड़की है और लड़की की मूर्ति है और बजाते हुए पियानो वगैरह बजा रहे कुछ तो। और उसके पीछे पीछे छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी मूर्तियाँ देखो, कितनी क्यूट सी मूर्ति है, स्टैच्यू है। और बहुत बड़े बड़े झाड़ है यहाँ पे। ये है कोकोनट का ट्री बड़ा सा, यहाँ पे छोटे छोटे कोकोनट भी आए हुए हैं और यहाँ पे छोटे छोटे झाड़ भी हैं। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल और फ्रेश ऑक्सीजन आ रहा है। और यहाँ पे बच्चों का खेलने के लिए गार्डन है और ये आजू बाजू में रेजिडेंशियल भी अच्छा है। यहाँ पे लोग आते हैं शाम के टाइम वॉकिंग के लिए, आज संडे का दिन है तो बहुत लोग वॉकिंग के लिए आते हैं यहाँ पे सैटरडे और संडे मोस्टली। तो अभी तीर्थ को मैं लेके जाती हूँ गार्डन में। और पहला ये देखिए ना ट्री कितना बड़ा है, वाओ सो ब्यूटीफुल इट इज़। और ये भी यहाँ पे एक छोटे से बच्चे का स्टैचू है, दिखेगा आपको एकदम क्यूट दिखता है, बहुत ही क्यूट दिख रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत ही क्यूट है, सुपर। जो अभी आ गया तीर्थ का गार्डन, ये देखिए तीर्थ एंजॉय कर रहा है। तीर्थ को स्लाइड करना बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत सारे लेडीज़ लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चों को लाके छोड़ा है इसमें, वो लोग खेल रहे हैं अपना मस्त मज़े में। और लेडीज़ लोग का गॉसिप भी मस्त चल रहा है यहाँ पे। और ये है तीर्थ, छोटा स्लाइड पे जा रहा है, अभी देख रहा है कि किधर जाऊँ क्या करूँ, इतना सारा स्लाइड्स है और देख रहा है। देखो अभी इसमें से इसको जाना है लेकिन इसको पता नहीं कैसे जाने का है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो ये वाला स्लाइड इसके ऊपर जाएगा, लेकिन इसके लिए इसको डैडी की हेल्प लगेगी। ओ वाओ। और यहाँ पे नीचे का जो लोग ने डाला है ना मस्त है, गिरेंगे भी बच्चे तो भी लगेगा नहीं। और जो फ्लोर है ना, फ्लोर बहुत मस्त है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है और सेफ है। ज़्यादा गिरे उरे बच्चे तो भी कुछ लगता नहीं है। तीर्थ को मैं ये सेकेंड टाइम यहाँ पे लेके आई हूँ तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ इसका। दो गार्डन है एक्चुअली ऐसा, वहाँ पे ज़्यादा स्लाइड था, ये वाला छोटा सा है, यहाँ पे छोटा एक स्लाइड है और स्विंग है, दो स्विंग्स है। तो तीर्थ अभी, और ये मनी प्लांट्स का झाड़ बहुत ही अच्छा है, मस्त बड़ा हो गया है। देखिए वाओ,
तीर्थ को भी बहुत मजा आ रहा है। क्या कर रहा है? उसका कलर चेंज, अच्छा कलर मैच कर रहा है, जो स्लाइड का कलर है और उसका टी शर्ट का कलर सेम है क्या, ऐसा वो देख रहा है। ऑरेंज तो वही देख रहा है कि ऑरेंज मेरा भी टी शर्ट है और स्लाइड का कलर भी ऑरेंज और येलो है, तो मेरे एक टी शर्ट में भी येलो और ऑरेंज है। वापस सेकेंड राउंड के लिए आ गया है तीर्थ। हेलो तीर्थ, कम डाउन फास्ट फास्ट फास्ट, वेरी गुड। चलो तो अभी ये ABCD पढ़ने जा रहा है, कहाँ पे ए है वहाँ देख रहा है कि कहाँ पे ए स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है ए का। तो अभी ढूंढते ढूंढते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसको अल्फ़ाबेट्स दिखाना, तो उसको ऐसा था कि ए कहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो यहाँ से देखिए ABCDEFGHIJK जो भी है उसका वो देखते हुए जा रहा, तो उस पूरा अल्फ़ाबेट अभी पढ़ेगा ये। और ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा स्टैच्यू दिखेगा आपको, यहाँ पे बच्चे पेड़ पे चढ़ते हुए दिखाया है, सो ब्यूटीफुल। बचपन याद आ रहा है मुझे, मैं भी बचपन में बहुत सारे ट्री पे ऐसा चढ़ती थी, तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल झाड़ है, और मतलब उन्होंने इतना मस्त बनाया है। ये है तबला जैसा जो बनाया है ना, यहाँ पे सब लोग को बैठने के लिए है, सब लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे, तो उस वे में। लेकिन डिज़ाइनर भी दिख रहा है, और ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठते नहीं है, बैठने के लिए उधर वो साइड में बैठते, बट बहुत ही ब्यूटीफुल सीन आप बोल सकते हो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिख रहा है ये गार्डन में। तो बच्चों के लिए भी है और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है, और ट्रैक वॉकिंग भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो बड़ा सा बनाया हुआ है ना, इसके अंदर लोग सीनियर सिटीज़न आके बैठते हैं, मतलब कोई भी बैठ सकता है अगर थक गया और रनिंग वगैरह करके, तो मोस्टली मैंने वहाँ पे देखा था सीनियर सिटीज़न ही बैठते हैं, और ज़्यादातर यूज़फुल होता है इन रेनी सीज़न। तो रेनिंग सीज़न में वहाँ पे लोग ऐसा वॉकिंग वगैरह के लिए आए तो जाके वहाँ पे अंदर बैठ सकते हैं, तो एक सेफ़ है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा वाला डक के ऊपर रनिंग रनिंग ऐसा रोल रोल खेल रहे हैं। तीर्थ कंफ्यूज है ये किधर जाऊँ, अब ये देख रहा है किधर जाना है। जल्दी जल्दी करो तीर्थ, अभी स्विंग कर रहा है, और तीर्थ को स्विंग करते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा है, ही इज़ एंजॉइंग अलॉट। एंड अभी वेट कर रहा है वो डक के ऊपर, जो सर्कल कर रहे थे ना बच्चे लोग, उसके इसके लिए उसको जाना है, इसके लिए वो अभी सोच रहा है कि स्विंग हो जाए तो मैं उधर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, स्पेस नहीं था। तो अभी ये स्विंग कर रहा है, यहाँ पे जगह था बहुत सारा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं है, दो स्विंग है, दोनों स्विंग खाली था, लेकिन अभी एक लड़की भी आई तो अच्छा है, इसको कोई पार्टनर। और यहाँ पे इसके दो फ्रेंड्स मिल गए यहाँ पे खेलने के लिए, देख सकते हो आप। तो ये इनके साथ में वो लीव्स तोड़ के लाया है बच्चे लोग ने, और वो लीव्स के साथ खेल रहे लोग, तो इनको बहुत मज़ा आ रहा है। और कुछ आमरस वगैरह बनाने के लिए बोल रही है, हाँ उसको बोल रही है आमरस का लीफ या मैंगो का लीफ है, तो इसका हम लोग आमरस बनाएंगे आज, तो उन लोग का वही चल रहा है, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। Yes, Tiru channel. Tiru channel. I should be